हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज 28 दिसंबर के दिन आप पोषण ट्रैकर में अन्नप्राशन दिवस का जो भरना रहता है हमें पोषण ट्रैकर में, वो कैसे भर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने पोषण ट्रैकर ऐप खोल लेना है, ओपन कर लेना है पोषण ट्रैकर ऐप। उसके बाद आपको अपने पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे, उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपके पास अधिक का ऑप्शन होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे नीचे इधर तीन लाइन डॉट है, उस पर अधिक का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अधिक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास आयोजन का ऑप्शन दिखेगा। फिर आपके में आयोजन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपके में घटनाएं का ऑप्शन दिखेगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है घटनाएं के ऑप्शन पे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे, आपको CBE वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे तो यहाँ पे आपके पास आएगा डिड यू ऑर्गेनाइज द CBE दिस मंथ, तो यहाँ पे आपको हाँ फिल कर देना है। उसके बाद घटना की तिथि यहाँ पे आपको भर देनी है, तो यहाँ पे आपको तिथि क्या भरनी है, 28 दिसंबर 2021। तो मैं आपको भर के दिखाती हूँ और फिर नीचे आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे 28/10/2021 आपको भर देनी है डेट, जो कि आज की है। आज के दिन हम अन्नप्राशन करेंगे, उसके बाद ही आपको पोषण ट्रैकर ऐप में फीडिंग करनी होगी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप डेट फिल कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा सेलेक्ट द थीम फॉर CBE। तो यहाँ पे जो एरो वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कई ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ गए हैं, तो आपको अन्नप्राशन दिवस वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद सिंपली सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया, ऐसा पॉपअप नोटिफिकेशन होगा। उसके बाद यहाँ से बैक चले जाइए, आपका रिकॉर्ड सबमिट हो चुका है। तो अगर आपको देखनी है ऐसी ही वीडियोस, तो अभी के अभी तुरंत टेक लगाओ आंगनवाड़ी को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।